हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भटूरे। घर पे भटूरे कैसे बनते हो आज हम बताएंगे आपको। फ्रेंड, आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये मैदा डाल देंगे। उसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है हमें। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है थोड़ा सा। हम दही डालेंगे 2 चम्मच। हम चीनी डालेंगे, चीनी से अच्छा है, भटूरे का रंग अच्छा आएगा। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे हम और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलो उसका हम डो लगाते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो गूंथना है, टाइट डो गूंथना है। हमें जैसे नॉर्मल पूरी का डो गूंथते हैं ना, वैसा ही हमें डो गूंथना है। ये हमारा डो रेडी है। चलो उसको हम तेल लगा के मसल देते हैं। इसके ऊपर हम तेल डालेंगे थोड़ा सा। हमें गीला कपड़ा रखना है इसके ऊपर और 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है हमें। कर लेते हैं 1 घंटे के बाद। ये डो हमारे रेडी है भटूरे के लिए। हम छोटे छोटे गुल्ले बना लेते हैं। छोटे भटूरे चाहिए आपको, बड़े भटूरे चाहिए, आप उस हिसाब से आप बना सकते हैं। दोस्तों, हमें मीडियम बनाना है, हम नहीं ज़्यादा छोटे बनाएंगे, नहीं ज़्यादा बड़े बनाएंगे। इसको हम चपटा बना लेंगे थोड़ा सा। ऐसे हम सब बना लेंगे। उसके ऊपर हम सूखा मैदा डालेंगे और हमें बेलना है। हमें ज़्यादा मैदा नहीं लेना है, सूखा मैदा जितना हो सके उतना हमें कम लेना है। अब देख सकते हैं कि हमारा ये भटूरा फ्राई करने के लिए रेडी है। ये भटूरे हमारे रेडी है। चलो इसको हम फ्राई करेंगे। ये तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल को हम चेक करेंगे। थोड़ा सा डो डालेंगे हम। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखो ऊपर आ चुका है। इसमें हम ये हमारा भटूरा डालेंगे, थोड़ा अच्छे से हम फ्राई करेंगे। हमें ऐसे घुमाते हुए फ्राई करना है। इसे पूरा से हमें पलट देना है। अच्छे से गोल्डन कलर आना चाहिए, जिसको कच्चा नहीं रहना चाहिए हमारा भटूरा। ये हमारा गोल्डन कलर आ चुका है दोस्तों, आप तो नजदीक से भी दिखा रहे हो। उसको हम निकाल लेंगे। दूसरा भी हम वैसे ही फ्राई करेंगे।
चलो हम सर्व करते हैं भटूरे। इसको आप गर्मा गर्म चना मसाला के साथ खाए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगेगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।